वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा, फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। सब्सक्राइब और चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे SIN CI का नेक्स्ट पार्ट। सो अबाउट अस, बेसिकली वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू। स्प्रेड द वर्ड अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड शेयर फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग क्लासेस एंड यू नो लर्निंग इज प्राइसलेस। So please do at least. And friends, if you want any specific topic video, then please do comment on our Facebook channel. That is here, facebook.com/currentaffairsfunda. Fine. तो आप हमारे Facebook channel पर अपनी queries post कर सकते हैं और आप अपने doubts जरूर से जरूर पूछें। आपको कोई भी doubts और doubt session की videos भी बनाऊंगा अगर बहुत सारे doubt हमारे पास collect हो जाएंगे तब। Okay. So this is part number 8 for SI and CI. There will be approx 9 to 10 parts are there. So almost 2 or 3, maximum 2 or 3 remaining. Okay. So before watching this part number 8, kindly watch part 1, 2, 3, 4, so on up to 8th part. Why? Because we have already taught some basic fundamental of SI and CI. So this way you will get a lot of help here. Okay. So friends, this video will in the format of bilingual. ये video bilingual format में होगा, मतलब कि हिंदी और English दोनों भाषाओं में मैं इस VCO के questions को decode करूँगा। तो किसी भी students को कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे यहाँ पर। Okay. But friends, I want from everyone to like this video. मैं चाहता हूं कि सारे लोग जब वीडियो को देखें तो लाइक जरूर करें अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तब, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके भी इस कंटेंट्स को पहुंचाएं। ओके, सो राइट नाउ वी विल टुडे वी विल डिस्कस सम मिसेलेनियस प्रॉब्लम हियर। कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट के बेस्ड भी हैं और कुछ सीआई के भी हैं, एग्जाम्स में आई हुई हैं, इसलिए हम उन क्वेश्चंस को आज बनाएंगे। ओके, so just a minute, let me drink some water. Yeah, fine. So this is question number 1 for you right now, friends. The simple interest on a sum, that means we can say the SI on a sum of money will be 600 rupees after 10 year. This question is really very important and tricky question, so kindly read the question carefully. If the principal is tripled, that means 3 times after 5 years, then you need to calculate the total interest at the end of 10 year. So calculate total interest at the end of 10 year. So question ye keh raha hai ki ऐसा ही, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट है किसी एक अमाउंट पर जो 600 रुपए हो जाता है कब, 10 साल में, अगर प्रिंसिपल को ट्रिपल कर दिया जाए 5 साल बाद। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 साल बाद वो कितना मिलेगा। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, सी राइट नाउ 10 ईयर दैट इज 600 एज अ simple interest, because nothing is given in this question, then we will consider everything as based on the simple interest. अगर question में कुछ भी नहीं दिया है तो हम सब कुछ किस पर based समझेंगे, simple interest पर। okay, so in the 10 year 600, that is the simple interest is given here. fine, so what will be the after 5 year, what will be for 5 year, it will be 300, because simple interest is same for all the years. Okay, but next 5 year it becomes, principal becomes 3 times,
देन योर इंटरेस्ट विल ऑल्सो बिकम 3 times, दैट इज सो सिंपल. सो वी कैन से 300 into 3, इट विल ऑल्सो बिकम्स 3 times, दैट मीन्स 900 rupees. ओके, सो वॉट इज द टोटल इंटरेस्ट हेयर? सो टोटल इंटरेस्ट इट विल बी 900 प्लस दिस 300, इट विल बी 1200, दैट विल बी योर आंसर. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि प्रिंसिपल अगर तिगुना हो जाता है तो आपको 10 साल बाद इंटरेस्ट बताना है. अगर आपका प्रिंसिपल जब ट्रिपल हो रहा है तो आपका इंटरेस्ट भी तो ट्रिपल हो रहा है. आपने किसी से 1000 रुपए अभी उधार लिए हैं 10% की रेट से, कल को आप 3000 रुपए उधार ले लोगे 10% की रेट से, तो आप जो ब्याज दोगे वो ट्रिपल दोगे ना, क्योंकि प्रिंसिपल ट्रिपल हो गया तो आपका अमाउंट भी, इंटरेस्ट भी ट्रिपल हो जाएगा. सिंपल सा लॉजिक है, कुछ इसमें वो नहीं है. तो देखिए 10 साल में कितना है, 600 रुपए है, तो 5 साल में कितना हो गया, 300 रुपए. अब वो कह रहा है नेक्स्ट 5 years, मतलब कि अगले 5 साल में वो 300 रुपए जो ट्रिपल हो जाएंगे क्योंकि प्रिंसिपल ट्रिपल हो रहा है, तो कितना 900 हो जाएगा. तो देखिए पहले 5 साल में कितना, आपको 10 साल का निकालना है ना, टोटल इंटरेस्ट ऑफ 10 ईयर्स, तो 5 साल का ये, 5 साल का ये, मतलब पहले 300 था, फिर 900 ऐड हो गया, कितना कितना हो गया, 1200 रुपए इसमें ऐड हो गया. ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गया होगा. ओके, सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट मिसेलनियस प्रॉब्लम हेयर, प्रॉब्लम नंबर 2 हेयर. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. सारे मिसेलनियस प्रॉब्लम है आज जो डिस्कस करेंगे, बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, सो द क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेट लाइक सिंपल इंटरेस्ट, दैट मीन्स एस आई ऑन एन अमाउंट, अमाउंट आई एम रेटिंग ए एम टी, फाइन, दिस इज अमाउंट, आफ्टर 24 months at 2% rate, per quarter is rupees 960. What is the sum here? Sum, that means principal amount. You need to calculate the P here. Okay, so this question is very simple and very tricky for New Year's. Okay, तो ये question बहुत simple है, अगर आपने थोड़ी सी भी practice की आप इस question को देख के बना सकते हैं. लेकिन ये question दो तरीके से solve हो सकता है, एक तो formula लगा के भी कर सकते हैं और हम इसको bigger formula से भी कर सकते हैं. तो question ये कह रहा है कि simple interest है किसी एक amount पर 24 month के बाद 2% की rate से, ठीक है, पर क्वार्टर लिखा हुआ है. ठीक है, ध्यान रखना पर क्वार्टर 960 रुपए है. सम बताना है कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट था. तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द टू मेथड, दैट मीन्स फर्स्ट आई विल यूज द फॉर्मूला एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू द शॉर्ट ट्रिक हियर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला हियर, इफ टाइम इज गिवन 24 months, दैट मीन्स 2 ईयर, and rate is given 2% per quarter, that means we can say rate, it will be 8% because there are 4 quarters in 1 year, that means 2 into 4 it will be 8% per year. Fine, time is given 2 year, rate is given and also simple interest is given, that means 960. So apply the formula here. SI is equal to PRT divided by 100. So from here you can calculate the principal amount here. So put all these values. 960 is equals to principal into 8. That is your time rate. Sorry, 8 is your rate and time is 2 divided by 100. So what the principal amount here? It will becomes 6000. तो यहां से आपका प्रिंसिपल आ गया. सो फ्रेंड्स, हाउ टू फॉलो अप्रोच फॉर द सेम क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक, इसका शॉर्टकट क्या होगा. सी, टाइम इज गिवन, दैट इज 2 ईयर, एंड रेट इज गिवन 8% एज एस आई, फाइन. सो इफ टाइम इज 2 ईयर एंड रेट इज 8% पर एनम, दैट मीन्स वी कैन से what is the simple interest rate, it will becomes 8% for first year and 8% for second year, so we can say that is equals to 16%. Fine, 16% value, that is given 960,
सो 1% इट विल बी 60. व्हाट इज 100%? बिकॉज प्रिंसिपल ऑलवेज 100%, सो 100% इट विल बी 6000 ईयर. That is your answer. तो ये आपका answer हो गया. ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि आपको टाइम दिया है 2 साल और रेट जो है 2% दी है पर क्वार्टर, मतलब कि क्वार्टरली रेट दी है. तो ईयरली क्या हो जाएगी, एक साल में कितने 4 क्वार्टर होते हैं, 2 × 4 कितना हो गया, 8 हो गया. अब SI कितना हो गया, 960 दिया हुआ है यहां पर. फॉर्मूला लगा दो, SI बराबर PRT, मतलब कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, दैट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, यहां से मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया 6000 रुपए. लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर मैं फार्मूला यूज नहीं करना है, शॉर्टकट क्या हो सकती है, टाइम टू ईयर, रेट 8%, SI आपको दिया है. ठीक है, तो देखिए 2 साल वाले कॉलम में क्या होता था, पहले साल में 1 लाइन, दूसरे साल में 2 लाइन, तब तो CI बनता था. लेकिन आपको पता होगा पहला वाला जो कॉलम होता है वो पूरा क्या होता है, SI होता है. तो आपका 8% इधर आ गया, 8% इधर, कितना हो गया, 16% हो गया, नहीं हुआ दोनों को मिलाकर. 16% की वैल्यू कितनी दी है, 960, 1% 60 हो गया, 100% कितना हो गया, 6000 रुपए हो गया. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको ट्रिक यूज करनी है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, एन अमाउंट बिकम्स ₹8800, एन अमाउंट बिकम्स ₹8800 इन 4 ईयर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, दैट मीन्स फॉर एवरी ईयर. सो यू नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ईयर, व्हाट अमाउंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अमाउंट, दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट. फ्रेंड्स सी राइट नाउ, kindly understand the language of a question. First of all think, an amount becomes ₹8800. What is this? That is your amount. Fine. So we can say this is principal plus interest. It's called the amount. अब आपको निकालना यहां क्या है, amount की value calculate करनी है. ठीक है, लेकिन जो becomes ये क्या होता है, ये आपका A होता है. निकालना आपको क्या है, P निकालना है, क्योंकि लैंग्वेज में एक बार अमाउंट की वैल्यू को हम A भी मानते हैं और अमाउंट को हम P भी मानते हैं. तो क्वेश्चन को समझना है, जो भी क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है. फाइन, राइट नाउ टाइम इज गिवन 4 ईयर. दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी ट्रिकी एंड रेट इज गिवन 15%. व्हाट इन दिस क्वेश्चन, Nothing is given. The question is based on simple interest or compound interest. So by default we will take simple interest here. By default हम क्या लेंगे यहाँ पर? ऐसा ही लेंगे क्योंकि कुछ question में दिया नहीं है. So if time is 4 year, rate is 15%. So what is the SI percentage here? SI percentage it will be 60%. Fine. What this is amount. So we can say amount is given 8800. What in amount, there are basically two part, principal plus simple interest. Fine, principal always be 100% itself, and what is SI, simple interest, that we have found 60% here. So plus 60%, so what it will be, 160%. So we can say the value of 160% is given to you, that is 8800. So we will write here 160 is equals to 8800, and what will be 1% here, 8800 divided by 160, and what will be 100%, multiply with 100, it will be your principal amount here. Fine, cancel out all these terms, and after solving this one then you will get 5500. That is your answer. तो आपका answer कितना आया, 5500 रुपए principal amount. तो देखिए question बहुत ज्यादा simple था, थोड़ा सा आपको mind लगाना है. एक amount है जो हो जाता है 8800 रुपए, इसका मतलब principal amount ही आपका बनेगा क्या, amount. और amount के अंदर दो चीजें होती हैं, principal होता है plus आपका simple interest होता है, कोई भी interest होता है उसको ही हम amount कहते हैं. ठीक है,
4 साल 15%, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 60%। अब अमाउंट दिया है 8800, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 60% यहां से निकल के आया, मतलब कि 160% हमारा ये आ गया अमाउंट का परसेंटेज। अब 160% की वैल्यू कितनी दी है, 8800, तो 100% मतलब प्रिंसिपल निकालना है, 100% निकाल दो, 5500 आ गया। यूनिटरी मेथड मैंने आपको बताया है, वही लगाया है कि 160 की वैल्यू इतनी दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8800 डिवाइडेड बाई 160, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8800 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100, मतलब जिसकी निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो बराबर में दिया होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक आप यहां पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 5500 रुपए आपका क्या आया, अमाउंट आया है। नाउ फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। सी फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड काइंडली मार्क इट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन नंबर 4 हेयर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। सो फ्रेंड्स एज्यूम स्वाति, स्वाति इज अ पर्सन, स्वाति वरुण सम मनी एट द रेट 6% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर, फाइन, एंड 9% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर एंड 14% फॉर बियॉन्ड द रेस्ट ईयर्स। ओके, सो वी कैन से 14% फॉर द पीरियड बियॉन्ड। फाइन, इफ सी पेज द कंडीशन राइट नाउ, इफ सी पेज 11400 एट द एंड ऑफ 9 ईयर, सो यू नीड टू कैलकुलेट हाउ मच डिड शी बोरोड, उसने कितना उधार लिया था, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वाति ने कुछ अमाउंट स्टार्टिंग में बोरो किया है 6% की रेट से पहले 2 साल और 9% की रेट से अगले 3 साल और 14% की रेट से फॉर द पीरियड बियॉन्ड। यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए 9 साल के बाद में उसने दिया है, मतलब कि 2 साल 3 साल तक तो दिया, तो मतलब 2 साल का हमें पता है, 3 साल का हमें पता है, नेक्स्ट कितना बचा, 4 साल का बचा, तो ये जो 14% है ये 4 ईयर वाला है। फाइन, सो 14% फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। ओके, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी इधर से उधर हो सकती है, लेकिन आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना इजी क्वेश्चन होता है। ओके, सो इफ सी पेज 11400 एट द एंड ऑफ 9 ईयर, सो यू नीड टू कैलकुलेट हाउ मच डिड शी बोरो, उसने कितना पैसा स्टार्टिंग में बोरो किया था, कितना पैसा उधार लिया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन देयर इज अ फॉर्मूला, प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इनटू टाइम। वी आर गेटिंग द सेम फॉर्मूला फ्रॉम हियर, SI इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। So from here, when you will calculate the P here, then this will be SI into 100 and divided by R into T. Okay, so this formula is the origination from this formula. तो SI बराबर PRT by 100 आपको पता है, इस formula से ही मैंने ये निकाल दिया, ठीक है। अब सारा का सारा काम इसी formula के ऊपर based होगा, क्योंकि आपको principal निकालना है कि उसने कितना पैसा बारो लिया था, मतलब ठीक है उधार जो लिया था कितना पैसा लिया था,
ये आपको कैलकुलेट करना है। सो सी राइट नाउ, प्रिंसिपल इट विल बी एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। दैट मीन्स फ्रेंड वी कैन से सी पेज एट द एंड ऑफ 11400 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई रेट इंटू टाइम। दैट मीन्स वी कैन से फॉर द फर्स्ट टू ईयर सी यूज 6% रेट, दैट मीन्स 6 into 2 प्लस। फॉर नेक्स्ट थ्री ईयर्स सी यूज 9 into 3 एंड फॉर द नेक्स्ट बियॉन्ड ईयर सी यूज 14%, दैट मीन्स फॉर 4 years। ओके, बिकॉज 2 year 3 year ऑलरेडी पास्ड, दैट मीन्स 4 years आर रिमेनिंग बिकॉज सी पेड 11400 एट द एंड ऑफ 9 years। ओके, सो काइंडली सॉल्व दिस इक्वेशन राइट नाउ। 11400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6 into 2 12 प्लस 9 into 3 27 14 into 4 56। इट विल बी 11400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, इफ यू विल एड ऑल दीज वैल्यूज देन इट बिकम्स 95। सो डिवाइड इट एंड राइट नाउ यू विल गेट 12,000, दैट इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया, 12,000 रुपए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन को बना लेना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में हमने क्या करा है कि SI बराबर PRT बाई 100 आपको पता है होता है, तो यहां से प्रिंसिपल निकाल दिया, SI इंटू 100 डिवाइड बाई RT हो गया। अब बंदा जो भी बंदी है उसने 6% की रेट से पहले 2 साल लिया, फिर 9% लिया 3 साल के लिए, फिर 14% बचे हुए टाइम को ले लिया। जब 9 साल बाद वो इंटरेस्ट लौटाने गई तो उसने 11,400 रुपए वापस कर दिए। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि 9 साल के बाद में, तो मतलब 2 साल 3 साल 5 साल हुआ, बचा हुआ 4 साल हुआ, 4 साल कितना हो जाएगा, 14% की रेट से। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले 2 साल 6 into 2 6%, अगले 3 साल 9%, तो बचे हुए 4 सालों में कितना था, 14%। तो 11,400 की मल्टीप्लाई कर दो 100 से और डिवाइड कर दो, 6 2 12 होगा, 9 और 3 कितना हुआ, 27 हुआ, और 14 और 4 56 हुआ, इन सबको जोड़ा 95 आया। 95 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 12,000 रुपए, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। तो फ्रेंड्स राइट नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, द इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। अगले पार्ट में हम इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। सो काइंडली लाइक दिस वीडियो, एज यूजुअली आई एम सेइंग, इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके, उन तक वीडियो पहुंचे, और प्लीज शेयर जरूर करिए, बिकॉज शेयर इज केयरिंग, दैट मीन्स यू आर हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बाय शेयरिंग द वीडियो ओनली। अगर आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं तो आप बहुत स्टूडेंट्स को पहुंचा रहे हैं इस वीडियो को, मैं तो केवल डिलीवर्ड कर रहा हूँ, फाइन। तो मेरी यही आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे दोस्तों तक अपने पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखकर कॉन्सेप्ट सीखें और अग्रिम परीक्षा में सफलता हासिल करें। ओके, सो फ्रेंड्स राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।